आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ मोहित यादव, और मैं आपको आज से मैथ पढ़ाऊंगा। तो जैसा आपका प्रीवियस चल रहा था चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसमें आपका 2.2 तक हो गया था, तो हम आज कंटिन्यू करेंगे 2.3 से। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मेन था 2.1 2.2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के अंदर हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 3/8, तो जो टर्म ऊपर रहेगी वो बोलेंगे न्यूमरेटर, जो टर्म नीचे रहेगी उसे बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। 3/8 में 3 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर। एंड इन फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, फॉर एन एग्जाम्पल 3/5 में 3 कम है, छोटा है 5 से, 6 छोटा है 7 से, 10 छोटा है 13 से, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से छोटी रहेगी, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। फॉर एन एग्जाम्पल इन 6/5 न्यूमरेटर इज 6, डिनोमिनेटर इज 5, एंड 6 इज मोर देन इज ग्रेटर देन 5, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से हमेशा बड़ी रहेगी, उसे बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं 4/7, 5/7, 6/7, इसके अंदर नीचे वाली टर्म सब में सेम रहेगी, उसे बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके अंदर नीचे वाली टर्म सेम नहीं रहेगी, जिसके अंदर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, तो उसे हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। और फिर आता है सबसे लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन विच इज़ मेड अप ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 एक होल नंबर है और उसके जस्ट साइड में एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2, जिसके अंदर न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर। तो आज आपने 2.1 2.2 में इन फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ लिया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उनके डिवीज़न में, कि फ्रैक्शंस में डिवीज़न कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, आज हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो अपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में फर्स्ट टॉपिक आता है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन इफ़ इट्स प्रोडक्ट इज 1। कहने का मतलब ये है इसका कि जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है 2.3 कोई फ्रैक्शन हमें गिवन है, 2.3 कोई फ्रैक्शन हमें गिवन है, हमें इसका रेसिप्रोकल ढूंढना है। तो रेसिप्रोकल में क्या करना होता है, न्यूमरेटर को हम बना देंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बना देंगे हम न्यूमरेटर। जैसे कि 2 यहाँ पे था न्यूमरेटर, इसके रेसिप्रोकल में हम कर देंगे 2 को डिनोमिनेटर में कर देंगे और 3 को कर देंगे हम न्यूमरेटर में। तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन इफ इट्स प्रोडक्ट इज 1। आपका प्रोडक्ट आप करना आता होगा, आपने 2.2 में सीखा होगा कि अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं 2/3 × 3/2, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 1। तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, कि 2/3 हमारा फ्रैक्शन था, अगर हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा 1। सिंपल है, रेसिप्रोकल में कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को बना देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बना देंगे हम डिनोमिनेटर, जस्ट उल्टा कर देंगे 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 2। हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि 3/4 ले लिया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। कुछ नहीं करना, जस्ट आपस में चेंज कर देना है, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। जैसे एक एग्जांपल और देख लो आप, कि आपके पास था ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2/7, इसको आपको सॉल्व करना आता ही होगा, 2/7 = 14 + 1 = 15, ये हो जाएगा 15/7। इसका रेसिप्रोकल वही, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर,
तो रेसिप्रोकल ऑफ 15/7 इज 7/15। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। तो रेसिप्रोकल के बाद जो है हमारा टॉपिक आता है इसमें 2.3 में, वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हम स्टार्ट करेंगे, जो रेसिप्रोकल समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप। अच्छा, हमें अब यहाँ क्या करना है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कोई भी हम दो फ्रैक्शन लेंगे, लेट कर लेते हैं हम ए एंड बी, ये एक फ्रैक्शन ले लिया हमने, अगला फ्रैक्शन ले लिया हमने सी एंड डी। हमने मान लिया ए बी सी और डी, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स। तो अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या करना होगा, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, सी बाय डी, इन्हें हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या होता है, सिंपल, डिवाइड का साइन चेंज अगर हम करते हैं तो ए अपॉन बी जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, सी अपॉन डी का रेसिप्रोकल हो जाएगा डी अपॉन सी। तो ये रूल है आपका, एक रूल लिख लीजिए। तो ये है आपका रूल, चेंज कर देंगे डिवाइड का साइन बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिविजर। ये डिविजर था सी अपॉन डी, फ्रैक्शन था वो इसका डिविजर था, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया डी अपॉन सी और साइन चेंज कर दिया डिवाइड का मल्टीप्लाई से। फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं हम एक बार, एग्जांपल हम देख लीजिए, 3/4 को अगर हमें डिवाइड करना है 1/4 से, तो हमें सिंपल क्या करना है, 3/4 एज इट इज़, ऐसे हमने ऊपर रूल में पढ़ा था, डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ और इस टर्म का हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4/1। और आपने 2.2 में पढ़ाई था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, केस मान लीजिए 1/1/2 को डिवाइड करना है हमें 1/4 से, तो सेम मेथड वही 1/2 एज इट इज़, डिवाइड का साइन चेंज करके साइन मल्टीप्लाई का, सेकेंड टर्म काम कर देंगे रेसिप्रोकल 4/1, और आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, दिस इज 2। तो आपने 2.3 में दो चीज़ पढ़ ली, वन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, जिसके अंदर आपने देखा कुछ नहीं करना था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर है, बस उल्टा कर देना आपस में 2/3 को 3/2। और डिवीजन में आपने देख लिया है कि डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और सेकेंड जो डिवीजन वाली जो हमारा फ्रैक्शन था 1/4 उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल 4/1, और मल्टीप्लाई आपको आता ही है। अब हम सोल्व करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 15/17 को डिवाइड करने में 5 से। सिंपल वही जो हमने पहले देखा था, 15/17 डिवाइड करना है 5 से, वही अकॉर्डिंग टू रूल कुछ नहीं करना, साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ, 15/17 इसको हमने चेंज कर दिया विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और 5 का रेसिप्रोकल आपको पता होगा 5 नीचे आ जाएगा, नीचे इसके 1 होता है डिनोमिनेटर में, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और आपको इसका मल्टीप्लाई पता ही होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता ही है, इससे कट जाएगा 3/17। इसके अंदर 6 पार्ट हैं जिनमें से आपको सारे करने हैं, खुद सोल्व करने हैं, कुछ नहीं करना, सेम यही मेथड। चलो हम एक और कर लेते हैं, इसके अंदर पार्ट नंबर हम कर लेते हैं फोर्थ, कर लेते थर्ड कर लेते हैं, चलो 2/3। इसमें हमें 3/2 को डिवाइड करना है 3 से, 3/2 को डिवाइड करना है 3 से, तो वही सेम मेथड, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/1 बाय द रूल ऑफ साइन चेंज, 3/2 डिवाइड का साइन चेंज ओके साइन मल्टीप्लाई का, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई करना आपको आता है ये हो जाएगा 1/2।
बाकी पार्ट आपको आपका होमवर्क है वो आप करने हैं। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 10 1/2, 10 होल नंबर, 1/2 का परफेक्शन। इसकी डेफिनेशन हमने आपको रिवाइज करवाई थी, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता होगा। 4 2/3, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पहले हम इसे बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस में। ये है कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपने जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है वो पढ़ी है हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की पढ़ी है। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 21/2 डिवाइडेड बाय 14/3। अब हमें इसको डिवाइड करना, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था द सेम टू सेम इसका हम कर देंगे। क्या करेंगे, 21/2 एज इट इज़, डिवाइड का साइन चेंज कर देंगे विद साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका सेकंड जो टर्म, जो सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन होता है 14/3 जो यहाँ पे है, इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल 3/14। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9/4। तो 2 इसके भी शायद 6 पार्ट्स हैं, ये आपको सारे आपको होमवर्क में करने हैं। मेथड सब में सेम रहेगा, मेथड जो हमने अप्लाई कर दिया मेथड सब में सेम रहेगा। अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। साहिल, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में है द शॉपकीपर सोल्स चॉकलेट्स वर्थ 154। एक दुकानदार ने 154 रुपीज़ की चॉकलेट बेची। इफ़ ईच चॉकलेट कॉस्ट 6 2/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें गिवन है। ये जो गिवन है हमें, ये एक चॉकलेट की कॉस्ट है कि एक चॉकलेट कितने रुपए की है। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड ही सेल, तो दुकानदार ने कितनी चॉकलेट बेच दी। तो सबसे पहले हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज इक्वल टू 6 2/2, सॉल्व करेंगे 14/2, ये हो जाएगा 7। तो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट हो जाएगी, एक चॉकलेट की कॉस्ट हो जाएगी 7 रुपीज़, और शॉपकीपर ने टोटल कितने रुपीज़ की चॉकलेट्स सेल कर दी वो हमें गिवन है 154। ये शॉपकीपर ने, शॉपकीपर सोल्स चॉकलेट्स और रुपीज़ 154 ऑफ रुपीज़ 154। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही सोल्ड, कि उसने कितनी चॉकलेट्स बेच दी। तो टोटल रुपीज़ अपॉन में कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 22। 154 को 7 से डिवाइड करने पर हमें 22 मिलेगा। तो 22 चॉकलेट्स सेल करने के बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुई थी वो हो जाएगी 154। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड ही सेल, तो उसका आंसर हो जाएगा 22 चॉकलेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। मेथड सब में सेम रहेगा, बस ओनली इस एक्सरसाइज में आपको डिवाइड करना है फ्रैक्शंस को, डिवीजन करना सीखना है आपको।